हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 18 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स की बातें करेंगे। ये सभी करंट अफेयर्स आपके आने वाले आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, ईएसआईसी और भी जो एग्जाम्स आपके आने वाले 6 महीनों में होंगे, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल विश अंडरस्कोर वाइज और आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम 22, इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे बाकी वीडियोस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप बाकी चैनल्स को देख सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स, पहली न्यूज को हम लोग देखना शुरू करते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट करेंगे। ये प्लांट 100% वेस्ट पे चलेगा, वेट वेस्ट से चलने वाला ये प्लांट होगा, बायो सीएनजी बनाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट होगा यह। गुजरात की चीफ मिनिस्टर ने नई बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी लॉन्च करी है 2022 से 2027, 5 सालों के लिए। केरला का फर्स्ट कैरेवन पार्क, दोस्तों केरला का फर्स्ट कैरेवन पार्क जो है वो वागामोन नाम की जगह पर आ गया है। वागामोन एक हिल स्टेशन पड़ता है केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नई ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया पॉलिसी लॉन्च करी है। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये वाली। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया पॉलिसी लॉन्च करी है। इसके अंदर बोला है कि गवर्नमेंट ऑफर कर रहा है टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर प्रोडक्शन कनेक्टिविटी टू द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड फ्री ट्रांसमिशन फॉर 25 ईयर्स अगर प्रोडक्शन फैसिलिटी जून 2025 से पहले लग जाती है तो। मतलब हाइड्रोजन गैस और अमोनिया पॉलिसी में कंपनीज आएंगी, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करेंगी, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन्स दे रही है उन्हें। जैसे आईटी पार्क्स बनाते हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं, ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे गैसियस स्टफ है ये, कोई एक्सीडेंट ना हो लाइफ का, उसके लिए स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाए जाते हैं जहां पर ये सारा प्रोडक्शन होगा। वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंडस्ट्रियल सिटीज की तरह बनती है। वहां पे कनेक्टिविटीज दी जाएंगी इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर, और अगर जून 2025 से पहले प्रोडक्शन फैसिलिटी काम करना शुरू कर देती है तो 25 साल के लिए फ्री ट्रांसमिशन दिया जाएगा। प्रोडक्शन टारगेट जो है गवर्नमेंट का वो ये है कि 5 मिलियन टन कर देना है 2030 तक। दोस्तों, इस पॉलिसी के आने से पहले ये टारगेट 1 मिलियन टन हुआ करता था, बट अब ये टारगेट 5 मिलियन टन कर दिया है। 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोड्यूस की जाएगी। दोस्तों, जब मिनिस्ट्री का नाम आया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, तो हमें इसके मिनिस्टर और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मिनिस्टर है हमारे पावर के राजकुमार सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा बिहार। ये लोकसभा आरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, बिहार से आए हैं, मतलब हमारी पार्लियामेंट में आए हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। दोस्तों, जल जीवन मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था। इस मिशन के अंदर कहा गया है कि इसके लॉन्च के 2.5 साल में, अगस्त 2019 में ये मिशन लॉन्च किया गया था। दोस्तों, लॉन्च के 2.5 साल में मिशन ने 9 करोड़ रूरल टैप कनेक्शंस दे दिए हैं टू मोर देन 5.77 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड। मतलब 5.77 करोड़ से भी ज्यादा रूरल घरों में 9 करोड़ टैप कनेक्शंस दे दिए हैं सिंस 2.5 ईयर्स ऑफ इट्स लॉन्च फ्रॉम अगस्त 2019। दोस्तों, अब जल जीवन मिशन का नाम आ गया है तो मिनिस्ट्री हमें जानना जरूरी है। ये स्कीम आती है जल शक्ति मिनिस्ट्री में, जल शक्ति मिनिस्ट्री। दोस्तों, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री की स्कीम है जिसके यूनियन मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर राजस्थान में। उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इसके विश्वेश्वर टूडू, जो कि है मयूरभंज उड़ीसा से, और प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि है दमोह एमपी से। दोस्तों, स्कीम को आप ढंग से दोबारा सुन लीजिए कि जल जीवन मिशन ने 9 करोड़ रूरल टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करे हैं टू मोर देन 5.77 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स इन 2.5 साल सिंस इट्स लॉन्च इन अगस्त 2019। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, या जल शक्ति मिनिस्ट्री की। इसके यूनियन मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर राजस्थान। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है विश्वेश्वर टूडू, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मयूरभंज उड़ीसा, और दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि है दमोह मध्य प्रदेश से। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक और स्कीम आई है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। दोस्तों, ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्कीम लॉन्च करी है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम साल 2022 से लेकर 2027 तक, और यह एडल्ट एजुकेशन के एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। एडल्ट एजुकेशन दोस्तों यहां पे मतलब है जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो जिन लोगों की एक एज से ज्यादा के लोग हो जाते हैं और वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते किसी वजह से। इसका आउटले होगा 1037.90 करोड़। 5 सालों के लिए इस स्कीम का आउटले है 1037.90 करोड़। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर इसमें 700 करोड़ होगा, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर 337.90 करोड़ होगा। दोस्तों ये जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनको मैं थोड़ा डीप में पढ़ा रहा हूं, आपने इस बार आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम देखा है, एसबीआई पीओ का भी एग्जाम देखा है, कुछ एग्जाम्स में कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूज होता है जिसे डीप में पूछा जाता है, तो इन्हीं स्कीम्स को या इन्हीं न्यूज को हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। दोस्तों इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो एडल्ट एजुकेशन टर्म था इस टर्म को भी चेंज करके चेंज कर दिया है एजुकेशन फॉर ऑल। तो अब जो ये स्कीम हो गई है बेसिकली एजुकेशन फॉर ऑल के लिए हो गई है। जो भी नॉन लिटरेट्स हैं एज 15 इयर्स एंड अबव हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, उन्हें इसके अंदर कवर किया जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम आ गया, तो हमें इनके भी मिनिस्टर और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जाननी है। मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो कि राज्यसभा से है, मध्य प्रदेश से। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक है हमारे सुभाष सरकार जो कि बंकुरा वेस्ट बंगाल से हैं। दूसरी है अन्नपूर्णा देवी जो कि है कोडरमा झारखंड से, और तीसरे हैं राजकुमार रंजन सिंह जो कि है इनर मणिपुर मणिपुर से। तो ये तीनों ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं वो राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। दोस्तों इस पूरी न्यूज को हम लोग एक बार दोबारा देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 2022 से 2027 तक के लिए। ये सारा एडल्ट एजुकेशन या फिर एडल्ट एजुकेशन टर्म को रिप्लेस कर दिया है एजुकेशन फॉर ऑल को कवर करने के लिए। दोस्तों इसका आउटले होगा 1037.90 करोड़ रुपीज साल 2022 से 2027 तक के लिए। अब ये जो 1037.90 करोड़ है इसमें 700 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर आएगा और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर आएगा 337.90 करोड़। दोस्तों जो भी नॉन लिटरेट्स हैं 15 साल या उससे ज्यादा के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, ये स्कीम उन सभी को कवर करने के लिए है। गवर्नमेंट ने इस स्कीम में एडल्ट एजुकेशन टर्म को हटा के एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया है। मिनिस्ट्री के साथ हमें मिनिस्टर्स याद करने हैं। यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जो कि है राज्यसभा मध्य प्रदेश से। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसमें तीन है, एक है सुभाष सरकार जो कि है बंकुरा वेस्ट बंगाल से, अन्नपूर्णा देवी जो कि है कोडरमा झारखंड से, और राजकुमार रंजन सिंह जो कि है इनर मणिपुर मणिपुर से। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। दोस्तों सर्वनंदा सोनवाल जी ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ करा है वाटर टैक्सी फॉर मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में लोग वाटर टैक्सी का काफी टाइम से वेट कर रहे थे। वाटर टैक्सी की हेल्प से काफी ज्यादा उन लोगों का टाइम सेव होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी एक रफली आपको यहाँ पे बनाकर दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से मान लीजिए मुंबई की सड़कें हैं, ये बीच में सारा समुंदर है, किसी को यहाँ से यहाँ जाना है तो पूरा ऐसे घूमता हुआ आएगा। अब वाटर टैक्सी से वो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है सीधा सीधा, तो रोड पर भी ट्रैफिक कम होगा इससे थोड़ा सा। ऑल्सो इसके अलावा एक बेलापुर जेटी वहां पे कंस्ट्रक्ट हुई थी मुंबई में जो कि 8.37 करोड़ रुपीज में बनी है। ये बनी है सागरमाला स्कीम के अंदर। तो एक और स्कीम का आज न्यूज में नाम आ गया है दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी के प्री के लिए। इन सभी स्कीम्स के लिए मैं अलग से एक मंथली वीडियो लेकर आऊंगा, फेब का भी लेकर आऊंगा, जनवरी का भी लेकर आऊंगा। जो भी स्कीम्स आपकी न्यूज में है या बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ बड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूजेज हैं, उन्हें मैं अलग से डिटेल में आप लोगों के लिए ग्रेड बी के लिए लेकर आऊंगा। तो स्कीम का 8.37 करोड़ रुपीज को 50-50 मॉडल के अंदर फंड किया गया है अंडर सागरमाला स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। दोस्तों फिर से एक मिनिस्ट्री का नाम आया है स्कीम के साथ में, तो आपको मिनिस्टर और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जानना फिर से जरूरी हो जाता है। मिनिस्टर का नाम तो हमारे पास ऑलरेडी ऊपर आया हुआ है जो सर्वनंदा सोनोवाल जी हैं, यही हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा आसाम। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारे इसमें हो जाते हैं श्रीपद येसो नायक जो कि है नॉर्थ गोवा से, और शांतनु ठाकुर जो कि है बंगाल वेस्ट बंगाल से। आगे हम लोग चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज को यूज करेगी और 6 लाख विलेजेस को 3D मैप्स में बनाएगी 100 सिटीज का। दोस्तों 100 सिटीज का 3D मैप होगा जिसके अंदर 6 लाख विलेजेस को भी ड्रोन्स के थ्रू मैप किया जाएगा यूजिंग जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, और ये पार्ट है स्वामित्व स्कीम का। दोस्तों एक और स्कीम का नाम आ गया है आज न्यूज में, स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम जो है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ
पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर आती है स्वामित्व स्कीम, जिसके अंदर बोला गया है कि गवर्नमेंट जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स की हेल्प से 6 लाख विलेजेस को मैप करेगी। उसके अलावा इंडिया के 3D मैप्स बनाएगी 100 इंडियन सिटीज के। फिर से सुनिए, 6 लाख विलेजेस को ड्रोन्स और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज के थ्रू मैप करेगी और इंडिया के 3D मैप बनाएगी 100 इंडियन सिटीज के, अंडर स्वामित्व स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्टर हैं इसके गिरिराज सिंह, जो कि हैं बेगूसराय बिहार से। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो हैं श्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, जो कि है भिवानी महाराष्ट्र से। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। जी किशन रेड्डी जो है दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि हैदराबाद में एक ग्लोबल समिट होगा, री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया। ये वन ऑफ अ काइंड समिट होगा, इसको फाइनली इनॉग्रेट कर दिया है हमारे मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने। दोस्तों ये हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं, जी किशन रेड्डी हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ कल्चर है। तो अगेन हमें मिनिस्ट्री की बात करनी पड़ेगी। मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं गंगापुरम किशन रेड्डी या फिर जी किशन रेड्डी, जो कि है सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद दोस्तों तेलंगाना में पड़ता है, इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिकंदराबाद तेलंगाना। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके अंदर है मीनाक्षी लेखी जी, जो कि है न्यू दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज हमारी पढ़ती है जो इंडिया का यूपीआई प्लेटफॉर्म है, इंडिया का यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज करने वाला फर्स्ट दूसरा कंट्री बन गया है नेपाल। नेपाल की कैपिटल आप लोगों को पता है काठमांडू है, और करेंसी आप लोगों को पता है नेपालियन रुपी है। तो यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज करने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया है नेपाल। गवर्नमेंट ने जो हमारे डिफेंस सॉरी जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं संजय मल्होत्रा, जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, उन्हें आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड पे डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड पे डायरेक्टर बनाया है गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी को। दोस्तों बीएसई ईबिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग एक कंपनी है, उसने एलआईसी के साथ टाई अप करा है इंश्योरेंस ब्रोकर एग्रीमेंट का, कि वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर सेल आउट करेगा। तो जैसे पॉलिसी बाजार है उसी तरह से बीएसई ईबिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग है एक तरह से, जो एलआईसी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल आउट करेगा। बीएससी ईबिक्स इंश्योरेंस कंपनी जो है दोस्तों एक जॉइंट वेंचर है बीएससी का, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और ईबिक्स फिनकॉर्प एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड। ईबिक्स फिनकॉर्प एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ज्वाइंट वेंचर है बीएससी ईबिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग, इसने एलआईसी के साथ टाई अप करा है दोस्तों, इंश्योरेंस ब्रोकर एग्रीमेंट है। आगे न्यूज की तरफ चलते हैं। आरबीआई ने एक बड़ी बात बोली है। आरबीआई ने बोला है कि जो भी टोटल बैंक क्रेडिट है जो अलग अलग कंपनीज को दिया हुआ है, उसका करीब 10% बैंक क्रेडिट जॉम्बी फर्म्स के पास है। दोस्तों आपके इंटरव्यू के लिए, आपके ग्रेड बी एग्जाम के लिए, सीबी एग्जाम के लिए जॉम्बी फर्म्स नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गई है। जॉम्बी फर्म्स कौन सी होती है हम इसको समझते हैं। सबसे पहले न्यूज को आप दोबारा समझो, जितना भी बैंकों ने लोन दिया हुआ है बाहर कंपनीज को, उनमें से 10% लोन जॉम्बी फर्म्स या जॉम्बी कंपनीज के पास है। दोस्तों जॉम्बी कंपनीज हम उन कंपनीज को कहते हैं जिनके पास सिर्फ इतना पैसा होता है कि वो लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं, लोन का प्रिंसिपल पे नहीं करते। ये कंपनी छोटी छोटी होती है, इनका कुछ कंपटीशन नहीं होता मार्केट में, इन्हें बेल आउट अगर करना है तो उसके लिए भी कंपनी को उधार चाहिए होगा। कंपनी लोन तो ले लेती है मगर कंपनी को लोन चुकाने का पैसा नहीं होता, कंपनी पे सिर्फ इतना पैसा होता है कि वो लोन का इंटरेस्ट पे कर पाए। सच कंपनीज जनरेट ओनली इनफ कैश टू फ्लो टू पे द इंटरेस्ट ऑन द डेट एंड आर अनेबल टू रिड्यूस द एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट। कर्नाटका बैंक को दोस्तों 3 अवार्ड मिले हैं, रनर अप अवार्ड जीते हैं इसने, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर, बेस्ट फिनटेक अडॉप्शन और बेस्ट यूज ऑफ एआई एंड एमएल एंड डेटा एनालिटिक्स। दोस्तों ये आईबीए ने अवार्ड दिए थे इंडियन बैंक एसोसिएशन ने। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर रनर अप कर्नाटका बैंक आया है, बेस्ट फिनटेक अडॉप्शन कर्नाटका बैंक आया है और बेस्ट यूज ऑफ एआई एमएल एंड डेटा एनालिटिक्स आया है। आगे देखते हैं, ट्विटर ने पेटीएम के साथ टाई अप करा है टिप्स को इंडिया में बूस्ट करने के लिए। दोस्तों टिप्स एक ना ट्विटर एक चीज लेकर आया था टिप्स नाम से, ठीक है, इसने कहा था कि आप अपने सेलिब्रिटीज वगैरह को फॉलो करते हो तो आप उन्हें टिप दे सकते हो, आप उन्हें कैश पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए इसने पेटीएम के साथ टाई अप करा है। यूजर कैन सेंड कैश पेमेंट टू देयर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर ऑन द माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म या स्मॉल बिजनेस ओनर्स को। और सबसे पहले जब ये पायलट प्रोजेक्ट था ट्विटर का, तब इसने रेजर पे के साथ टाई अप करा था, वो इसके अंदर फर्स्ट पार्टनर था ट्विटर का टिप्स के लिए।
वेदांता ने दोस्तों टेरी के साथ टाई अप करा है, टेरी है हमारा द एनवायरमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये न्यू दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, एनवायरमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक वर्ल्ड डेवलपमेंट समिट भी कर वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट भी करा रहे हैं, जिसको पीएम मोदी एड्रेस करेंगे। यह शायद हो चुका है कुछ दिन पहले, हमने इसे करंट अफेयर्स में पढ़ा है। तो वेदांता ने टेरी के साथ टाई अप करा है टू एक्सक्लरेट इज एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस गोल्स। ओके, वेदांता को अपने एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस गोल्स को एक्सक्लरेट करना है, जिसके लिए उसने टेरी के साथ में टाई अप किया है। आगे न्यूज में देखते हैं दोस्तों, जो फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है फेथ, फेथ ने विजन 2035 डॉक्यूमेंट लॉन्च करा है। विजन 2035 डॉक्यूमेंट लॉन्च करा है, कंटेनिंग गोल्स एंड एग्जीक्यूशन पाथ फॉर मेकिंग इंडियन टूरिज्म प्रिफर्ड एंड लव्ड बाय द वर्ल्ड। इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट दिया है, साल 2035 तक कैसे इस एम को हमें अचीव करना है, ये दिया है फेथ ने। फेथ है हमारा फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। दोस्तों एक गेमिंग ऐप है A23, उन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा है और A23 उन्हें फीचर करेगा चलो साथ खेले कैंपेन में। यूएस और बांग्लादेश मिलकर एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज कर रहे हैं कोप साउथ 22 नाम की, जो कि बांग्लादेश में होगी। नेक्स्ट न्यूज पे हम लोग आते हैं दोस्तों, इंग्लिश क्लब चेल्सी ने ब्राजीलियन क्लब पेल्मेरास को हराकर 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता है? चेल्सी ने, जो कि एक इंग्लिश क्लब है, इसने फाइनल में हराया है ब्राजील के क्लब पेल्मेरास को। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों, हरियाणा की टीम ने इंडियन रेलवे को मेंस में हराया है, केरला की टीम ने इंडियन रेलवे को वुमेन्स में हराया है, बट किस में इन्होंने हराया है? 70th सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में। 70th सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हो रही थी, मेंस में हरियाणा जीती है रेलवे को हरा के, वुमेन्स में केरला जीती है रेलवे को हरा के, और ये फाइनल मैच खेला जा रहा था बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा में है। इसके अलावा दोस्तों एक बुक है जो कि है डिग्निटी इन डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क्स फॉर ऑल ऑफ अस। ये बुक लिखी है रो खन्ना ने। रो खन्ना एक इंडो अमेरिकन पॉलिटिशियन है, यूएस के एक इंडो अमेरिकन पॉलिटिशियन है रो खन्ना। इन्होंने बुक लिखी है डिग्निटी इन द डिजिटल एज, मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो का पीडीएफ अच्छा लगा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @wish_wise को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, या फिर दूसरा टेलीग्राम चैनल RBI असिस्टेंट एग्जाम 22 को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है या आपको कंटेंट यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये नॉलेज मिल पाए और वो लोग अपने एग्जाम्स के लिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।